हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में निवेशकों ने राहत की सांस ली है। सुबह बाजार जोरदार गिरावट के साथ खुला है, लेकिन दिन के ट्रेड के दौरान निचले लेवल से घरेलू निवेशकों की बाजार में खरीदारी लौटने के चलते बाजार ने अपने नुकसान की भरपाई कर ली। बैंकिंग, ऑटो और फार्मा शेयरों में खरीदारी के चलते बाजार में ये रिकवरी आई है। निचले लेवल से सेंसेक्स में 1000 और निफ्टी में 300 अंकों का उछाल देखने को मिला है। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 218 अंकों की गिरावट के साथ 81,224 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 104 अंकों के उछाल के साथ 24,854 अंकों पर बंद हुआ। बात करें गिरने और चढ़ने वाले शेयर्स की, तो सेंसेक्स के 30 शेयरों में 19 स्टॉक्स तेजी के साथ और 11 गिरकर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में 33 उछाल के साथ और 17 गिरकर बंद हुए। चढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 5.75%, विप्रो 3.59%, आईशेयर मोटर्स 2.98%, आईसीआईसीआई बैंक 2.90%, श्रीराम फाइनेंस 2.80%, हिंडालको 2.50%, एचडीएफसी लाइफ 2.40% के उछाल के साथ क्लोज हुआ है। गिरने वाले शेयरों में इंफोसिस 4.22%, ब्रिटानिया 1.98%, एशियन पेंट्स 1.87%, नेस्ले 1.21%, टेक महिंद्रा 0.82% और वहीं बजाज ऑटो 0.77% और एचसीएल टेक 0.60% के उछाल के साथ क्लोज हुआ है। बात करें सेक्टोरल अपडेट की, तो बाजार में ये तेजी बैंकिंग स्टॉक्स के चलते आई है। निफ्टी बैंक 805 अंकों के उछाल के साथ क्लोज हुआ। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल्स, रियल एस्टेट, मीडिया, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर सेक्टर के शेयर तेजी के साथ बंद हुए। गिरने वाले सेक्टर्स में सबसे बड़ी गिरावट आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स 627 अंक गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी शेयरों में भी बिकवाली देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज हरियाली लौट आई, जो सुबह के ट्रेड में भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी। सुबह मार्केट कैप 5,00,000 करोड़ रुपए तक नीचे गिर गया था, लेकिन बाजार बंद होने पर निवेशकों की संपत्ति 1,00,000 करोड़ रुपए के उछाल के साथ मार्केट कैप 458.21 लाख करोड़ रुपए रहा है। वहीं आपको बता दें, ऑटो और फार्मा शेयरों में खरीदारी के चलते बाजार में ये रिकवरी आई है। निचले लेवल से सेंसेक्स में 1000 और निफ्टी में 300 अंकों का उछाल देखने को मिला है। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 218 अंकों की गिरावट के साथ 81,224 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 104 अंकों के उछाल के साथ 24,854 अंकों पर बंद हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।